फुटपाथ साइकिल व रेहड़ी फड़ी वर्कर्स यूनियन ने शुक्रवार को सेक्टर 20 मठ मंदिर के समीप चंडीगढ़ नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे रेहड़ी फड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रधान राम मिलन गौड़ ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के अनुसार टीवीसी में स्ट्रीट वेंडर्स की 40% की भागीदारी सुनिश्चित करना व टीवीसी का चुनाव करवाना था, लेकिन नगर निगम द्वारा टीवीसी में किसी भी स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया। चंडीगढ़ के इन सेक्टर 17, 22, 19, 15, 34 को छोड़कर सारे शहर के वेंडरों की फीस बराबर होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़। मैं हूं कनिष्क और इस समय मैं खड़ा हूं सेक्टर 20 में, जहां रेहड़ी फड़ी वर्कर जो यूनियन है उनकी, वो प्रोटेस्ट कर रही है नगर निगम के खिलाफ कि उनकी जो तानाशाही है उनके खिलाफ, कि एक जगह से उठा के उन्हें दूसरी जगह जो है वो रखा जा रहा है या भेजा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। और अभी ये जो बात करेंगे हम यहाँ के प्रधान जी से, तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियाँ हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राम मिलन गौड़ है। तो आप यहाँ पे अभी धरना दे रहे थे, तो हमें बताइए कि आपका किसके खिलाफ जो है ये धरना आप दे रहे हैं? हम चंडीगढ़ नगर निगम की जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ कर रहे हैं। टीबीसी में जो है स्ट्रीट वेंडरों की भागीदारी है 40% की, वो तय करते कि हमें कहाँ जाना है, कैसे हमारा रोजगार चलेगा। अगर हम लोग दुकान लगाते थे सोच के लगाते कि यहाँ 20 लोग बैठे हैं, 20 चाय बिकेंगे तो हमारा काम चलेगा, या यहाँ 20 जूस बिकेगा या खाना बिकेगा, उस हिसाब से लगाते हैं सर। मगर चंडीगढ़ नगर निगम ने स्ट्रीट वेंडर्स जो एक्ट है उसके पहला नंबर तो जो सर्वे किया, जैसे कहते हैं हम मकान का नींव रखते हैं, अगर नींव मजबूत होती तो घर हम 4 मंजिला बनाते, मजबूत होता है। मगर वो नींव जब रखी गई, जब सर्वे हो रहा था, जब जहाँ 5 वेंडर था वहाँ पे 20 लोग मंझा बिछा के सर्वे करा लिए। आपने सर पढ़ा होगा सर आप, तो 21,622 लोगों की इन्होंने सर्वे कर दिया और पर वेंडर पे 314 रुपये इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का आना था, वो पैसा ये लोग मिल के अपना ले लिए खा लिए, उसकी भी इंक्वायरी विजिलेंस कर रही है। सर्वे गलत कर दिया, जहाँ 10 वेंडर था वहाँ 20-50 हो गया, तो वो मार्केट वाले के इसलिए विरोध करना शुरू कर दिए स्ट्रीट वेंडरों का। जो स्ट्रीट वेंडर मार्केट में पानी ले लेते थे, शोरूम वालों से मिली सलाह होती थी, व्यापारियों के पास भी बैठ जाते थे, वही व्यापारी विरोधी बन गए। वो नगर निगम की गलत नीतियों की वजह से ऐसा हुआ। तो उन्होंने ये भी बोला था कि दुकानें दी जाएंगी आपको, तो उससे भी क्या आपको कोई शिकायत है? दुकानें सर जो दे रहे हैं वो ना तो बैठने जोगे है, ना तो खड़ा होने जोगे, ना दुकान लगाने जोगे है। वो इन्होंने 5x6 की जगह दे रहे हैं, ना उस पर कोई तिरपाल है, ना वहाँ पे कोई टॉयलेट है, कोई बुनियादी सुविधा नहीं, ना बिजली ना पानी, किसी चीज़ की कोई ऐसा चीज़ नहीं है, जिससे गरीब आदमी को बहुत तकलीफ़ हो रही कि भाई वहाँ पे मेरा बिजनेस चलेगा, रोज़गार चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका आज यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत विरोध किया। और जिनका इन्होंने नोटिस दिया है, कुछ लोग आज हमारे पास यहाँ पे 250 लोग आए थे, तो वो सब लोग बोल रहे हैं जी हम हाई कोर्ट में भी इस विषय को गए थे, अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, प्रधान जी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, हमारा करवाइए आप। हाई कोर्ट का क्या फैसला था? हाई कोर्ट ने इनको बोला कि जो वेंडर हैं रजिस्टर्ड उनको तो आप वेंडिंग जोन में, वो 9356 वेंडर है, 9356 वेंडर, तो उसमें से ये लोग जो अपनी मनमानी से कुछ कर रहे हैं, कभी इनकी स्टेटमेंट ही सही नहीं होती, कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, 9000 में से कुछ लोगों को बैठा रहे हैं, बाकी लोगों को इधर उधर जो है ऐसे ही कह रहे हैं, किसी को नोटिस दिया किसी को नहीं दिया, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, कुछ हमें हम लोगों के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, आप बोलो। मैं सर, मेरा नाम राम सेवक है, मेरा इसके अलावा मेरा रोज़गार कोई नहीं है। मैं कहते पहले बानबीड़ी सिगरेट बेचता था, वो बंद कर दिया हूँ, अब मैं चाय नमकीन बिस्किट कुरकुरे चिप्स वगैरह सब बेच के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। मेरा सर सर्वे हुआ था, तो सर्वे हुआ था तो उन्होंने बोला था चंडीगढ़ का प्रूफ है, ये मेरा चंडीगढ़ का प्रूफ है सर, ठीक है जी। उसके बाद मैं आधार कार्ड, बैंक की कापी और अंगूठे के साथ और बाकायदा अड्डे के फ़ोटो खींच के लेके गए थे। जब सर्वे हुआ था तो मोबाइल में मैसेज आ रहा था, मैसेज नहीं आया कि जिसका तो बोले कि जिसका मैसेज नहीं आया उन क्या कहते अपना आधार कार्ड कहते फ़ोटो स्टेट करा के वहाँ जमा करा दूँ, या तो मैसेज आ जाएगा या तो आ जाएगा स्लिप मिलेगा, तो मेरे को मैसेज नहीं आया था, मेरे को ये सर ये स्लिप दिया था, ये देखो सर ये स्लिप नंबर दिया था, मेरा नाम राम सेवक है, स्लिप नंबर ये 658 दिया था, बोले जी जब रजिस्ट्रेशन होगा तो ये दिखा देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक, एक साल के बाद जब रजिस्ट्रेशन होने लग गया, जब वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा ये लिस्ट में नाम नहीं है, ये बोले तुम्हारा ये सर्वे नंबर गलत है, तुम्हारा सर्वे नहीं हुआ,
तो उसके बाद मैंने बोले कह रही है किसका कह रहे एप्लीकेशन लिख के दो और एप्लीकेशन वहाँ जमा कराओ। जमा कराने के बाद में मैंने सबको जमा कराया, उसके बाद मेरे को ये सर्वे नंबर 10,800 दिया, ये सर्वे नंबर 10,800 दिया उन्होंने। बोले कि ये जब अभी रजिस्ट्रेशन बंद है आपका, मैंने सब कुछ वहाँ कर लिया हूँ, फीड कर लिया हूँ, जब आपका रजिस्ट्रेशन खुलेगा आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। और उसके बाद में काम करने में मुझे दिक्कत आ रही है, मेरा इसके अलावा कोई रोज़गार नहीं है, यही से यही मेरे पालन पोषण मेरे बाप का, मेरे माँ का, मेरे बच्चों का यही भविष्य है, मैं कुछ नहीं, यही मेहनत करके कमा खाता हूँ, काम करने में मेरे को दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद जब सर्वे होने लगा, प्रधान जी से मिला, प्रधान जी ने मेरे को बोले कर कोई बात नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट में केस डालते हैं, कोर्ट में केस डाला, कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। जहाँ हम बैठे हैं 15-20 साल से वहाँ से हमको हटाया जा रहा है, जो नया जगह में दिया जा रहा है वहाँ भी हमारा किराया उतना ही है, वहाँ पे हमारा काम चले या ना चले हमको किराया तो भरना ही भरना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसको सरकार को देखना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ है नहीं वहाँ पे, ऐसी दे रहा है कि जाए बैठ जाओ आप वहाँ बैठ जाओ, हम वहाँ पे क्या करेंगे, किराया तो हमारा उतना ही है, हम यहाँ 20 साल हो गया 15 साल हो गया, हम तो यहाँ कमा रहे दो पैसे, चाहे कमाए या ना कमाए हमको फीस भरते हैं, हम वहाँ जगह हम क्या करेंगे। तो ये 10 साल से यहाँ लगा रहे हैं, सर इंडिया ग्राउंड से आ रहे हैं, मनी मना इंडिया ग्राउंड से आ रहे हैं सर, 20 सेक्टर से आ रहे हैं रेडी से, और सर वहाँ से हटा के वहाँ 23 सेक्टर दे रहे हैं सर, रोजगार हमारे छिड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, बच्चे कैसे पालेंगे सर। एक मेरा भाई एक विकास नगर से आता है, 20 के लिए 2 घंटे लग जाते हैं उसको, और वो विकास नगर यहाँ 2 घंटे लग जाएगा, अब 23 में यहाँ जाएगा उसका बिल्कुल भंडाफोर हो जाएगा, वहाँ अच्छी मार्केट भी नहीं है, जहाँ हम कर 20 में नहीं देता 21 में दे देते, मठ मंदिर पास दे देता, जगह यहाँ होती हुई भी वहाँ दे रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं सरकार, ये और वह समाज सरकार बेट सरकार हो रही है, ये एक बड़ी पार्टी के तौर पर ये वो अच्छी सरकार थी, अब सरकार बेकार हो रही है, सरकार भंग हो गई है सर। उसके बाद में जब मैं वहाँ गया कोर्ट से रिलीफ में, कोर्ट ने प्रधान से मिला, प्रधान जी ने कोर्ट में केस डाला, कोर्ट से थ्रू उनके बाद मैं गया, मेरे को मौका मिला मिलने के लिए, तो मैं अपना कहते कमिश्नर साहब ने बोला कह रहा अगर इनका चंडीगढ़ का प्रूफ है तो उनका रजिस्ट्रेशन कराओ, अगर फिर मैं दो रवि फिर कहते हैं उन्होंने क्या जोशी साहब मिले, जोशी साहब को बोला कह रहा अगर इनका प्रूफ है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर मेरे को ये दोनों नंबर डायल करके देखा तो मेरा दो लिस्ट में नाम नहीं है सर। अब ये दोनों चीज़ें ये भी उन्होंने लिख के दिया, ये भी गलत बता रहा है, ये भी लिख के दिया, ये भी गलत बता रहा है। अब तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप 2 बार वहाँ पर गए और दोनों बार उन्होंने बोला कि आप बाद में, हाँ बाद में आना सर, अभी आपका कुछ नहीं, अभी ये बंद पड़ा हुआ पेंडिंग है, इसका कुछ नहीं हो सकता, बंद है, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ। अब मेरा इसके अलावा ये बना नहीं रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर नहीं रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अगर हो जाए तो मैं अपना फीस भरूं और दूसरी बात अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा, ये भी काम ही नहीं रहेगा, अब बिना लाइसेंस वालों को यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, अब बताओ सर मैं कहाँ जाऊँ किसके पास। अगर जैसे कोई बिना लाइसेंस के यहाँ पर बैठा है उसके साथ क्या करते हैं सर, उनका भी कहते अगर यहाँ है तो उनका सारा सामान जब्त कर रहे हैं, ये पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, हाँ जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये कहते हैं पूरा सामान सारा सिस्टम जब बॉन्ड कर रहे हैं। इसका हमारे साथ अभी एक हैं जिनका बिल्कुल रेडी उठाई गई है आपकी, तो क्या उन्होंने करा था। मैं सर, मेरा नाम पप्पू कुमार है, मैं सेक्टर 15C में दुकान लगाता हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं सर्वे के समय मैं गाँव था, सर्वे के पहले का मेरे पास चलान पड़ा हुआ है, मैं सर्वे के समय मेरे मतलब पिताजी का तबीयत ख़राब था, मैं गाँव चला गया था तो मेरा मतलब सर्वे नहीं हो पाया। अब हम यहाँ पे दुकान लगाते हैं सेक्टर 15C में, स्वीट कॉर्न की शॉप लगाते हैं, रेरी लगाते हैं, वो हमारा कल के दिन उठा लिया गया सर, और हमने मतलब बोला भी कि हम इतना पुराने लगाते हैं दुकान, तो कह रहे तुम्हारा कोई कुछ नहीं हो सकता, और हमारा सामान जब्त कर लिया गया जी। तो वो नहीं वापस नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो वापस भी नहीं दे रहे हैं, वो जब्त कर लिया गया हमारा सामान सर, हमने कहा भी कि हम बहुत पुराने यूनियन से जुड़े हुए हैं हर चीज़, पर उन्होंने कुछ नहीं माना, हमने अपना पुराना चलान भी देखा, सर्वे का पहले का चलान है सर। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ हमें पर्ची काट के दे दिया और हमारा सामान बोला जब्त हो गया, वो छूटेगा भी नहीं, हम बोले पैसे दे के भी जो 1,500 दे के छूट जाए वो भी कोई सिस्टम नहीं, डायरेक्ट जब्त हो गया हमारे सामान जी। पहले सर कांग्रेस, अब हम बताओ जी हमारे सामान 30,000 रुपये की काउंटर है, हम तो ऐसे मर जाएंगे भूखे, और हम पुराने लगाते हैं जो नए बैठ गए हैं स्टूल लगा के, उनका सर्वे कर दिया गया और उनका बन गया, हमारा चंडीगढ़ का आधार कार्ड वगैरह सब चीज़ होते हुए भी हमारा नहीं बना सर, हम ऐसे बच्चे हुए, हमारा सर सब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी सर। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ रेडी फड़ी वाले, जो बहुत ज़्यादा तंग हैं अभी सरकार और जो नगर निगम है उसके फैसलों से, तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आगे इनको न्याय मिलता है या नहीं। कैमरामैन राहुल तिवारी के साथ मैं कनिष्क, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।